हेलो फ्रेंड्स, आरतीज पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है फ्रेंच टोस्ट इन पंजाबी स्टाइल, जिसमें मैंने हनी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आने वाली वीडियोज़ में आप कौन कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं। थैंक यू। चलिए आज बनाते हैं फ्रेंच टोस्ट इन पंजाबी स्टाइल, जिसके लिए मैंने 4 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, 2 एग लिए हैं और कुछ बटर, और मैंने 1/3 कप मैंने दूध लिया है और 1/2 स्पून मैंने चीनी ली है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। 1/3 स्पून मैंने काली मिर्च ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने ग्रेट कर लिया है और 2 लहसुन की कलियाँ भी ग्रेट कर ली हैं। सबसे पहले हम 2 एग जो हैं वो एक प्लेट में तोड़ लेंगे। आप प्लेट वैसी लीजिए ताकि जिसमें आपको लगे आपके ब्रेड के स्लाइस पूरे आ जाएं, और इसमें अब हम इसको अच्छे से काट लेंगे। अच्छे से इसको किसी विस्क के साथ या फोर्क के साथ मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें ये ग्रेट किया हुआ लहसुन, अदरक, ये 1/2 चम्मच जो चीनी ली थी वो, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और ये काली मिर्च सब डाल देंगे और इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1/3 कप मैंने दूध लिया है, वो सारा धीरे धीरे मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि ये जो मिक्सचर है अच्छे से पतला बन जाए। चलिए अब मीडियम हीट पे तवा गर्म कर लेते हैं या कोई पैन गर्म कर लीजिए। उसमें थोड़ा सा हम पहले 1 टेबलस्पून हम थोड़ा सा ऑयल, कोई भी ऑयल डालेंगे और फिर इसमें बटर मिक्स करेंगे ताकि जब बटर डालें तो वो जले ना। गैस को हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। अब जो ब्रेड स्लाइसेस हैं वो मैं इसमें एग के मिक्सचर में डिप करके धीरे से पैन में छोड़ दूंगी। दूसरा पीस भी लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से डिप कर लीजिए मिक्सचर में और धीरे से पैन में छोड़ दीजिए। आप इसको दोनों तरफ से हम गोल्डन ब्राउन करेंगे और एक साइड पकाते हैं, फिर हम इसको दूसरी साइड से भी पका लेंगे बिल्कुल मीडियम हीट पे। अब हम इसको एक साइड से पका के दूसरी साइड पे फ्लिप कर देंगे। आप दूसरे को भी फ्लिप कर देंगे। अब देखिए ये एक साइड से हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब अच्छे से इसको दूसरी साइड से भी पका लेंगे। गैस को मीडियम ही रखें ताकि ये जले ना और गोल्डन गोल्डन कलर में ही आए। चलिए अब हमारे एग टोस्ट अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये अब बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए, इसको मैं फ्लिप करके बताती हूँ, दोनों तरफ से अच्छे से नाइसली गोल्डन हो चुके हैं। ऐसे ही हम अपने दूसरे भी पीसेस जो हैं उनको अच्छे से कर लेंगे। थोड़ा सा बटर डालेंगे। और अगले पीसेस भी मैं सेम तरीके से ही बैटर में डिप करके फिर से डाल दूंगी। मैंने 2 अंडे में मेरे 4 पीसेस जो हैं अच्छे से बन जाएंगे। आप भी 2 अंडों में 4 पीसेस आराम से बना सकते हैं। और ये मैंने डाल दिए। अब इसको भी ऐसे ही हमने फोल्डिंग करके निकाल लेना है। हमारे अगले पीसेस भी अच्छे से रेडी हो चुके हैं, दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। अब हम इनको
अपनी सर्विंग ट्रे में जिसमें हमने पहले निकाले थे उसमें रख लेंगे। चलिए ये फ्रेंच टोस्ट इन पंजाबी स्टाइल बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।